नवजात, कानपुर देहात से खबर बता रहे, मकान की छत में मिला अज्ञात नवजात। अज्ञात नवजात मिलने से गांव में सनसनी फैल गई है। बच्ची की रोनी की आवाज से मकान मालिक को जानकारी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस नवजात को लेकर अस्पताल पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों से पूछताछ के साथ मामले की जांच भी शुरू कर दी है। मकान मालिक बच्चे को गोद लेने और पालन पोषण को पूरी तरीके से अब तैयार हो चुका है। कानपुर देहात से खबर आपको हम बता रहे, जहां पर प्रशासन से फरियाद पूरी करने का कर रहा है मांग। कानपुर देहात से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मकान की छत में एक अज्ञात नवजात मिलता है। बच्चे की रोने की आवाज से मकान मालिक को इसकी जानकारी होती है। फिलहाल ग्रामीणों से भी पूछताछ की जा रही है, जांच करी जा रही। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात को अस्पताल लेकर पहुंचती है। आपको बताते चले, जो मकान मालिक है वो बच्चे को गोद लेने की बात भी कर रहा है, पालन पोषण की बात भी कर रहा है। मकान की छत पर एक नवजात मिलता है। कानपुर देहात से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर पुलिस मौके पर पहुंचती है, नवजात को अस्पताल लेकर पहुंचती है। बच्चे की रोने की आवाज से इस पूरी बात की जानकारी मकान मालिक को होती है। सुबह उठे, सोने के बाद हम तैयार हुए तो मेरे चाचा हैं विश्वनाथ, तो उन्हें गोबर वाला और लेके छत पे जा रहे थे। छत पे से जीना चढ़े, जीना चढ़े, जीना के नीचे बनी भंडरिया, भंडरिया भंडरिये के बजाय उन्होंने तसला रखा, तो चेचे की आवाज़ आई, तो उन्होंने समझा कि बिल्ली का बच्चा है। तो देखा तो बुलाया सबको, शोभा बुलाया, कोई देखो भाई शोभा इसमें क्या है कि बिल्ली का बच्चा है। तो देखा जब आगे तो उसमें बच्चा था। एक नवजात शिशु पाया गया है छत में खमेला के, तो खमेला के कुछ लोग एक बच्चे को लेके यहाँ पे लेके आए। बच्चे को एक बहुत मामूली सी चोटें सिर में और इनके अम्बिलिकल कॉर्ड में पाई गई है, जिसके हम लोगों ने देखा और उपचार किया है और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। बच्चा रो रहा है, बच्चे के लंग्स क्लियर है। बुलंदशहर से आपको बड़ी